पिछले दिनों शायर मशरिक का दिन मनाया गया, उनके भी बड़े इश्क रसूल पे डूबे हुए अशार हैं। वो कहते हैं लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबदे आब गीना रंग रंग तेरे मुहीत में हबाब आलमे आबो खाक में तेरे जहूर से फरो जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए जर्राए रेग यानी रेगिस्तान के जर्रे को तुलुए आफ्ताब कैसा दिया कि वो अरब की सरजमी जिसके अंदर कोई गुलजार नहीं है, कोई मौसम की रंगीनी नहीं है, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई अरब शरीफ के अंदर जाता मगर नबी पाक के कदम क्या लगे, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। दुनिया की लग्जरी मुल्कों में रहने वाले, दुनिया के नजारों में गुम रहने वाले, आप यूरोप चले जाएं, स्विट्जरलैंड चले जाएं, अफ्रीका चले जाएं, उधर के मुसलमान से पूछें किधर जाना है, कहता है मदीने जाना है। जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। जो ईमान न लाए उनको जमाने में कोई जानता नहीं था मगर नबी पाक के कदमों का बोसा दिया, आका का कलमा पढ़ा, उनकी गुलामी इख्तियार की तो उमर बिन खत्ताब बन गए। वो जब नबी पाक के कदमों में आए तो हबशा के गुलाम थे मगर प्यारे आका का दामन थाम लिया तो सैयदुना बिलाल हबशी बन गए। जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। सुभान अल्लाह, उनके जो गुलाम हो गए, वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए, उनके ऊंचे नाम हो गए। जो जो नबी पाक से निस्बत हासिल करता गया, जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। बल्कि उस जमाने की बात को छोड़ दीजिए, आज 1450 साल गुजर गए हैं, आज भी कोई बंदा नबी पाक के इश्क को दिल में जगा दे दे, प्यारे आका की बात करना शुरू कर दे, नबी पाक की शान बयान शुरू कर दे, उसका इस दुनिया में भी नाम बुलंद होना शुरू हो जाता है, इधर भी इज्जतें मिलना शुरू हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, तो गोया इस मिसरे की मिसाल आज भी नजर आती है कि जर्राए रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फिक्रे जुनेद बायजीद तेरा जमाल बेनकाब, शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए अकले गयाब व जस्तजू इश्के हुजूर व इस्तराब। एक और जगह शायर मशरिक लिखते हैं वो दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सच्ची बात यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान बयान करने की बड़े बड़ों ने कोशिश की, अपनी बिसात के मुताबिक कोशिश की, दिलो जान से कोशिश की, मगर हर कोई हैरान नजर आया, हर कोई परेशान नजर आया, हर कोई आजिज नजर आया।